हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं जेंट्स अंडरवियर बनाना सिखाऊंगी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले लिए फैब्रिक, तो ये कॉटन की फैब्रिक है। तो ये मैंने ली है 1 मीटर। तो ये देखें, इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये लंबाई वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इस तरह डबल फोल्ड कर लें 1 मीटर कपड़े को लंबाई में, ठीक है। फिर इसे मोड़ लेंगे इस तरह से। तो देखें, ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो हमने चाहिए चौड़ाई इसकी 14, 14.5। ये देखें, तो कोई भी अगर पुराना अंडरवियर हो उससे नाप ले, नहीं तो आप उससे नाप कर भी बना सकते हैं, जैसे जिसका भी बना रहे हैं उसका नाप लेकर। तो ये देखें, ये पुराना अंडरवियर था उससे नाप कर मैंने इसका नाप ले लिया है। तो ये मैंने इसकी चौड़ाई यानी कि वो रखी है 14.5, ठीक है। लंबाई देख लेते हैं इसकी, लंबाई हमें 19 रखनी है। तो ये पूरा 19 ही है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, 19 है ये। तो इस हिस्से को हम अलग कर देते हैं पहले, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अलग कर देते हैं। तो इस कपड़े को मैंने अलग कर दिया है, इसको हम इस तरह घुमा लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बंद वाली साइड है, इधर बंद है और उधर खुला हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले नेफे का नाप लगाएंगे, निशान लगाएंगे 2 इंच का, 2 इंच पे लगाएंगे हम नेफा मोड़ने का निशान। देखिए यहाँ से हमें ये नेफा मोड़ना है, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेते हैं इस निशान को हम। सीधा कर लिया। तो अब हम ये देखें, पौंछे का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। लंबाई तो पूरी रहेगी, बस इसको हमें सीधा कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे पौंछे का निशान, वो होगा 12.5 पे, ये देखें। तो 12.5 पे हम निशान लगा देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमने पौंछे का निशान लगा दिया। अब हम आसन का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर से रखकर हम लगाएंगे 13.5 पे निशान, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से रखा है मैंने, ये क्या कहते हैं, नेफे वाला भी हिस्सा लिया है। तो यहाँ 13.5 पे निशान लगाएंगे, ये देखें 13.5 पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे ऐसे गोल करके, ठीक है। तो इसकी कटिंग बहुत आसान है, इस तरह गोल करके मिला दिया मैंने ऐसे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं इस तरह से। तो इस निशान को, इस निशान को इस तरह मिलाने के बाद इसे हमें कट कर देना है। तो हम पहले इसे सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद ये कट कर देना है हमें। इस तरह से, ठीक है, कटिंग हो गई इसकी। और बस सीधा करके इसको इस तरह से, और इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, अलग अलग कर लेनी है इससे। बहुत आसान है इसकी कटिंग करना,
तो ये देखें, ये अंडरवियर की कटिंग हो गई, इसकी हम रुमाली की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसकी हम रुमाली कट कर लेते हैं। इस तरह रखेंगे रुमाली को, ये देखें ऐसे, तो इतनी काफ़ी है ये। या फिर नाप लें आप कितनी चौड़ी लगाना चाहते हैं, ये 4 इंच पे मैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कट कर देते हैं हम इसे रुमाली को। ऐसे ये कट कर ली, फिर इसको हमें ऐसे करना है, ये दोनों हिस्से पकड़ना है, इस तरह से मिला देना है, ऐसे ऊपर से कट कर देना है, ये इसे दोनों हिस्से पकड़ कर। ठीक है, और फिर नीचे से भी हमें ऐसे कर देना। ये हो गई रुमाली, ठीक है। तो ये कटिंग तो हो गई, अब इसकी हम स्टिचिंग दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम इस तरह करेंगे, पहले इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम सबसे पहले इसका नेफा मोड़ेंगे। तो नेफा मोड़ने के लिए हमें इस तरह कट लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए जितना हम मोड़ेंगे, जो हमने निशान लगाया है, ये इस तरह से मोड़ कर, तो इस तरह हम नेफा मोड़ देंगे इसका। तो पहले हम यहाँ ऐसे, तो चारों हिस्सों में हमें लगाना है कट ये, ठीक है। तो हम पहले कट लगा लेते हैं इसे, इतना मोड़ कर इस तरह से, देखिए दोनों पीसों में हमें लगाना है ऐसे। तो ऐसे मोड़ कर यहाँ पर ऐसे कट लगा देना, ठीक है। फिर इन्हें अलग अलग कर लेना है। तो फिर सबसे पहले हमें ये तिरछा ऐसे यहाँ सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो पहले हम चारों हिस्सों में यहाँ सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने कट लगाया है, इसको हमें कट जहाँ तक है वहाँ तक इस तरह तिरछा मोड़ना है इस हिसाब से, और ऐसे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये चारों हिस्सों में कर देना है हमें, तो तिरछा मोड़ कर। फिर सिलाई लगाने के बाद, इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम नेफा लौटेंगे। तो नेफा हम ऐसे लौटेंगे, देखिए अपना हिस्सा, फिर इस तरह से, ठीक है। तो पूरा बराबर से ऐसे ही करते हुए, ठीक है, नेफा लौट देते हैं दोनों हिस्सों का, इसी तरह से नेफा लौट देंगे। तो देखिए मैंने लौट दिया है, तो इसी तरह से मैंने, तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों हिस्सों का मैंने इस तरह से नेफा मोड़ लिया है, ये ऐसे पलट कर, ठीक है। तो अब हम रुमाली लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रुमाली है, जो खींचने वाला हिस्सा नहीं है वही लगाएंगे सबसे पहले। तो इस तरह से यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा छोड़कर उधर, ऐसे सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पकड़ कर Yeah.
फिर हम दूसरे हिस्से को इस तरफ से रखेंगे। ये देखें, पहले एक तरफ हमने रुमाली लगा दी, तो पहले हमें इसे सीधा करके रुमाली को इस तरफ करके यहाँ हम एक और सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल किनार पे, ताकि अच्छे से रहेंगी ऐसे। इस तरह से ये देखेंगे, इस पर सिलाई लगा दी मैंने, और इसको ऐसे ही रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से को रखेंगे। ये देखिए दूसरा वाला हिस्सा ऐसे मिलाकर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ अच्छे से पक्का कर लेंगे। फिर इस तरह सीधा कर लेंगे इसे, ऐसे मिलाकर सिलाई। फिर यहाँ आधा इंच तक ऐसे उंगली रख लेंगे, ठीक है। फिर इस कपड़े को ऐसे कर देंगे और इससे मिलाकर, ठीक है। तो इस तरह से रुमाली को हमें खींचना नहीं है, आराम से लगाना है, नहीं तो बड़ी छोटी ऐसे। फिर हमें इस तरह से सीधा करना है कपड़ा, और अंदर की तरफ ये सिलाई वाला ऐसे मोड़ना है, और इस पे ऊपर से ऐसे सिलाई लगानी है जैसे हमने इधर लगाई थी ना, इसी तरह, ठीक है। तो ये सिलाई हमें ऐसे लगाते हुए ऊपर तक लानी है, नीचे से इस कपड़े को इधर की तरफ करना है, और इस तरह से। तो ये यहाँ तक लगाएंगे ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये कर देंगे, फिर सारे धागों को काट देंगे। तो ये देखें, एक तरफ ये रुमाली लग गई, तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ की रुमाली लगा देंगे, ठीक है। काफी फिनिशिंग से लगी है, तो इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा देते। तो ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसी तरह से रुमाली को लगा दिया है। अब भी नीचे वाला हिस्सा लौट लेते हैं। ये जो पौचे वाला हिस्सा है, इसे इस तरह से मोड़कर ऐसे इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे, दोनों पौचे इसी तरह मोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके किनारे भी मोड़ दिए इस तरह से। तो अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे, तो हम ये ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, इधर से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे तिरछा ले जाकर यहाँ से ऐसे लाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो दो बार लगा देंगे हम ये सिलाई, ताकि अच्छे से मजबूती हो जाए। तो दोनों हिस्सों को इस तरह रख के हम दो बार इस तरह सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने दो बार यहाँ से शुरू करके इधर तक सिलाई लगा दी है। इसे सीधा कर देते हैं हम, और ये पूरा तैयार हो गया है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप उसको 10 मिनट में सी सकते हैं। एक घंटा नहीं लगा मुझे, और मैंने तीन इस तरह के अंडरवियर सी दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह के तीन बना दिए मैंने, ये देखिए। तो ये डबल अर्ज का 1 मीटर का कपड़ा था, तो उसमें ये तीन अंडरवियर बन गए हैं। तो ये पहले के लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तो उन्हीं के लिए बनाए हैं ये मैंने। तो ये देखें, काफ़ी सफाई से बन गए हैं और आसानी से। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ मैं मिलती रहूँगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।